हम लोग ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं ना? आप ऊपर शिफ्ट हो रही हैं? तो हम कहाँ जाएंगे? हम साथ में रहेंगे ना? है जी? जी मेरा मतलब है हम सब साथ में रहेंगे। पापा, मम्मा, आप लोग, सन्नू, ये कितना मजा आएगा है ना? साथ में कैसे नहीं? एक कमरे ना ना एक कमरे में नहीं रह सकते? अगर रहे तो सब खुल जाएगा। आप एलआईसी जी, बुबू के कहने का मतलब ये है कि रात में गर्मी के कारण ये नाइटी में सोती हैं और सेठ जी और सेठानी जी के सामने ये नाइटी में सो नहीं पाएंगी, और अगर साड़ी में सोएंगी और अगर वो गलती से खुल गई तो अच्छा नहीं लगेगा। जीजा जी, आप कितने मजाकिया हैं। आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं आपसे पूछ रही हूँ? बल्कि मैं आपको यहाँ बताने आई हूँ कि हम यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं जीजा जी। अरे जीजा जी, अभी ना हमने टीवी पे न्यूज देखी है कि यमुना का पानी ना एकदम खतरे के लेवल तक पहुंच गया, बाढ़ आने के फुल ऑन चांसेस है, और ऑब्वियसली अगर बाढ़ आई तो पानी तो नीचे पूरा भर जाएगा, मजबूरी में हमें ऊपर ही तो आके रहना पड़ेगा ना। सुनीता जी, आप भी कैसी फालतू की बातों पे विश्वास कर रही हैं? ऐसी खबरें आती जाती रहती हैं, ये सब लोगों को डराने का तरीका है। अरे 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 कहाँ है? अरे ओहो, अरे 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 यार, इलायची बर्तन आज आ गए। अब सेठ जी पंचम, अरे जल्दी से नीचे आ, यहाँ का सामान सब बरसाती में पहुंचाना है, नीचे पानी भरने वाला है, जल्दी नीचे आ। अरे जल्दी कर। जी सर जी। अरे जल्दी जल्दी पैकिंग में हाथ चलाओ भाई, भाई क्या कर रहे हो? मेरी तिजोरी को ना छोड़ूंगा मैं, बता रहा हूँ। सन, सामान उठाने में मदद तो कर दे, बैठा हुआ है या मुंह उठा के? देख रही हूँ जी जी, कैसी बातें कर रहा है ये कोई? मैं यहाँ पे आलसी बन के बैठा हुआ हूँ, मैं पैर में बोझ आ गई है मेरे, नजदीक भाई ये कमर में पेट के दर्द के मारे मुझे खड़ा ना मिल गया, गर्दन भी अकड़ी हुई है, वरना छटंकी एक मिनट में ये सामान ऊपर पहुंचा देगा। बात क्या कर रहे हो? क्या यार मेरे छटंकी सांप, मेरे तो भाग्य फूट गए। सुनीता जी, हम ना जे कह रहे हैं, ये कमरा तो ना एकदम नीलामी वाला गोदाम हो रखा है ना, ऐसा लग रहा है बस अभी बोली लगना शुरू हो जाएगी। अरे इलायची, हाँ? इधर आ बेटा। अरे सेठ जी बुला रहे। क्या हुआ? सुन, तेरी माँ कहीं नजर ना आ रही, जाके देख जरा। इसमें देखना क्या है, कोने कोने में पैसे छुपाती फिरती थी, अब एंड टाइम पे भूल गई होंगी, पता नहीं कहाँ रखे हैं, ढूंढ रही होंगी। जीजा फ्रिज खींच ले, अपने आप सीढ़ियां चढ़ के ना आएगा छत पे। अरे एक मिनट, हाँ रुक जा, खींच रहा हूँ अभी। हाथ लगा ना तू। जी जी, हाँ हाथ लगा, चल। हाँ खींचो खींचो, खींच रहा हूँ, कुछ लग गया था, सॉरी। धन्यवाद। सुनू जी जी की डोली देखना कितने ऑसम लग रहे हैं, और ये रस्सी कितनी लकी है, तो एक की बाहों में गिर के छोड़ रही है उनकी बाहों में। ये लो सेल्फी। अबे छटंकी, फ्रिज का पेट तो हो रखा है जो खिंचना रहा, पता नहीं क्यों इतना भारी हो रखा है। जीजा सीधा कूना कहता कि बुढ़ापे में दम ना लग रहा है। अबे जब रहे। बुबू जरा तुम भी हाथ लगाओ। अच्छा ठीक है ठीक है, हाँ हम लगाते हैं ताकत सेठ जी, हम लगाते हैं, देखो हमें बहुत ताकत है। सेठ जी फ्रिज कुछ ज्यादा ही भारी हो रखा है, ऐसा लग रहा ना जैसे बहुत खाते पीते घर का हो, खिंचना रहा है। चल सुनो, दम ला के आयशा, हाँ जीतेंगे भाई जीतेंगे, छत वाले जीतेंगे, महिला मोर्चा जीतेगा जीतेगा, खींच 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 खींच, महिला मोर्चा जिंदा, जोर लगा के खींचो खींचो, अरे जोर लगा के जोर लगा के, अरे बस। हाँ
अगर तुझे खींचते खींचते मेरी जान निकल जाती तो। अरे ये सीढ़ी जो है मैंने सांप सीढ़ी खेलने के लिए ना लगाई है। बात कर रही है घर की। इलायची के पापा, तुम्हें तो पता है कि मुझे सीढ़ियों से कितना डर लगता है, मैं नीचे गिर जाती तो। अरे लेकिन तुझे खींचते खींचते मेरी जो कमर खिंच गई है उसका क्या? अपने कमर की पड़ी है, अब मैं बीवी की नहीं, मैं तो भागी फूट गया। जीजा मैं भी ऊपर आ रहा हूँ। अरे सर हमारी जो खानदानी टेबल थी वो तो नीचे ही रह गई। अरे यार पापा मम्मी को खींचो यार, बीच में लटकी पड़ी है मम्मी। चलो सेठ जी साहब जी, आपकी स्विमिंग की ट्रेनिंग ना पूरी हो गई है। अच्छा। अब गंदा नाला हो या कॉलोनी का गटर, आप कहीं नहीं डूबेंगे, है ना? हाँ, बस आपको तो एक मौका चाहिए तैराकी दिखाने का। अरे मंगीलाल, तूने पिंकी जी को गोताखोर बना दिया है मंगीलाल। तू मतलब तू बस बोल मंगीलाल बोल, तुझे क्या चाहिए? तेरा सर। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि एजेंट टीचर आपके सर पे ना हाथ रख के आशीर्वाद देना चाह रही हूँ। हाँ मंगीलाल तो बिल्कुल सही करी। अरे आशीर्वाद तो तेरा चाहिए। देख क्या है कि तू पिंकी जी का गुरु है जी। अब गुरु का आशीर्वाद लिए बिना पिंकी जी कैसे करेंगे स्विमिंग? नो नॉट पॉसिबल। दे आशीर्वाद दे 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 लीजिए लीजिए दे दे डूबते रहो। मतलब जीते रहो। थैंक यू मंगीलाल जी। अब तू देख, बस तू देख पिंकी जी अपने स्विमिंग का टैलेंट दिखाने के लिए किस तरह से मुजरिम को पानी में डुबो डुबो के गिरफ्तार करेंगे। ऐसा करेंगे कि कमिश्नर साहब खुश हो जाएंगे और पिंकी जी का प्रमोशन कर देंगे। अच्छा तो सर फिर दिखाइए अपने टैलेंट। पुष्पा तुम डुबो और पिंकी सर स्विम करते हुए आएंगे और तुमको बचाएंगे। ठीक है सर। हेल्प हेल्प। आ गया पुष्पा, आ गया। पुष्पा बच गई। मंगीलाल पिंकी जी ने पुष्पा को बचा लिया। हाँ सर आपने बचा लिया। थैंक यू सर, यू आर माय हीरो। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। अबे बर्तन अब सेठ जी पंचम। अरे आ भाई भाई सुन ले आ पकड़। सुन ऐसा खींच, आराम से खींचो, मेरे सर पे मत गिरा दियो। ये मेरी पुश्तैनी मेज है, समझ रहे? कोई नुकसान ना होने पाए वरना तू नौकरी से निकाल दिया जाएगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए सेठ जी, हम कर देंगे। जी संभाल के, ससुरालिया माल है, ध्यान से। हैं जी? जी, मम्मी के ससुराल से आया तो ध्यान से खींचे ना, पैर से। जी। ये बहुत ही भारी लग रहा है इलायची जी, ये तो हमें डर लग रहा है कि किसमें जाए। बहुत सिंपल है जीजा जी, बस आप ऐसे सोचिए कि मैं ना पहाड़ी से लटक रही हूँ और आपको हीरो की तरह मुझे बचाना है, तो आप मुझे प्यार से धीरे धीरे यूं यूं करके खींचेंगे ना, बिल्कुल वैसे ही खींच के ऊपर ले आइए। चलिए जल्दी कीजिए। अबे खींच आराम से, मेरे ऊपर ना गिरा दियो बे। जी जी सेठ जी। नहीं ना रहा नंबर। इलायची जी आपकी हंसी काफी अच्छी है। और आपके डोले। पता है। थैंक यू। और सेठ जी, अरे आओ आओ मजा, क्या बात है, हैं? पानी भरने वाला इसलिए ढूंढ रहे हो कि नाव कहाँ बांधी जाए? अरे नहीं नहीं सेठ जी, कैसी बातें कर रहे हो, मैं तो बस ये देखने आया हूँ कि बस सब ठीक ठाक है ना। हाँ पानी भरने वाला है, चांदनी चौक डूबने वाला है, चारों तरफ बाढ़ आने वाली है, बस जो है दुकान और मकान की कोई गारंटी ना है, ये मैं कह रहा हूँ गारंटी से। अच्छा। बेकार की। मुगु, हम हाथ लगाएं? नहीं
ओहो पिंटू भाभी, दिन दहाड़े रोमांस खुलने में हाथ लगाए हैं नवाब, ओह माय गॉड। अरे ना सुनीता जी, ऐसी बात ना है, ये तो भाई हो रखा है अपना। है? मतलब हम ये कह रहे कि हम ना बहुत दिनों से अपने भाई से नहीं मिले, तो ना हम गुगु को ही अपना भाई बुला लेते हैं प्यार से कभी कभी, है ना गुगु? हाँ बिल्कुल बुबू, लव यू टू। पिंड भाभी आप ना कुछ भी कर सकते हो, आई नो दैट। पिंड भाभी सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। अबे छोड़ दे, ओए अबे छोड़ दे। अरे अरे जीजा। सेठ जी क्या हो गया, आंखें खोलिए सेठ जी, पानी ले पानी ले पानी ले। हाय राम इलायची के पापा, मेरे तो भाग ही फूट गए। नहीं भाग ना फूट गए सेठ जी, फूट गए नीचे। आंटी दही गुब्बू गए। ओ पानी मारो पानी मारो, जल्दी मारना यार, क्या कर रहा है यार। ये लो। हाँ पानी मारो पानी मारो। हाँ जीजा। अरे वो और मारो और मारो। नहीं ठीक। अरे तुम लोग स्वर्ग तक मेरे साथ आ गए, इतना इतना प्यार करते हो? अबे तू तू स्वर्ग में, तू स्वर्ग में मेरे पास कहाँ है, तू दुकान पे कौन है? अब इतने सुधरे हुए कर्म भी ना आए तो तुम स्वर्ग में जाओगे? जिंदा हो तुम, बात फैल रहा है यार, सीधे बैठो। पापा सॉरी, वो आपने छोड़ो छोड़ो बोला ना नीचे से, तो हमें कंफ्यूजन हो गया और जीजा जी ने छोड़ दी रस्सी। इलायची के पापा मुझसे पहले जाने की कोशिश की ना तो जान से मार दूंगी, मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे मुझे तो लगा कि आज मेरी जान ही निकल जाएगी, बच ना पाऊंगा। अरे एक बात बता। हाँ। अरे मेरे ऊपर टेबल गिर गई और तू अभी तक ऊपर है, नीचे ना आई? इलायची के पापा इतने मुश्किल से तुम्हें रस्सी से ऊपर आई थी, मैं कैसे आ जाती नीचे? अरे हाँ ये भी बात है। चलो चलो अंदर चलो यार, के मेरे ऊपर ही पड़े रहोगे यार, संभाल के ले चलो ये। अंदर चलो अंदर चलो। जे कोई चमत्कार ना हुआ, मौत तो पक्की है मुरारी सेठ, डूब के मरोगे, जे मैं कह रहा हूं गारंटी से। इलायची के पापा कितना अच्छा लग रहा है ना, सारे एक साथ खाना खा रहे। इलू ऐसे लग रहा है ना जैसे हम कोई होटल में बैठ के कैंडल लाइट डिनर कर रहे हैं। इलू सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। अरे सन सेल्फी ले, एक बात ऊपर वाले से दुआ बना के बाहर जो है और घर में पानी ना भरे, वरना पता है 2 महीने तक मोमबत्ती में ऐसी अपनी सेल्फी खींचती रही हो, बात कर रही है बेकार की। अबे मुझे क्यों देख रहा है, मैंने छत में छेद किया क्या? देख भाई 10-20 साल पुरानी बिल्डिंगें मैंने ठीक की हैं, उनका तजुर्बा है मुझे। ये 200-300 साल पुरानी हवेली है, इसका मुझे कोई तजुर्बा ना है। चुपचाप खाना खा ले। अरे यार ले सूख गई, अब खा ले आराम से। सॉरी सुनीता जी। जीजा जी पिंटू भाभी, खाना खाने के बाद ना हम लोग अंताक्षरी खेलेंगे, बड़ा ही मजा आ जाएगा, ठीक है? अरे इलायची चुप रहे, यहाँ कोई लेडी संगीत ना हो रहा है कि खाना खाने के बाद गाना गाया जाएगा, बात कर रही है बेकार की तू भी। अरे उसके बाद ये सोचना है कि कौन कहाँ लेटेगा, कौन कहाँ आराम करेगा, है इतना बड़ा शरीर है कहाँ रखेंगे, समझ में नहीं आ रहा है।
ना ना सेठ जी, ऐसी बात ना है, आप ना हमारी गुगू की कतई चिंता ना करो, हम तो एक दूसरे के ऊपर लद के सो लेंगे। मेरा मतलब मैं कह रही थी ना कि हम लोग ना समिट बटुर के कम जगह हम सो लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे ना, एडजस्ट। अरे मिसेस पंचम, आप तो एडजस्ट कर लेंगी, लेकिन मैं इसे कहाँ एडजस्ट करूंगा। इलायची के पापा, कितने बुरे वक्त में भी मेरा मजाक उड़ाना नहीं भूले ना, मेरे तो भांगे फूट गए। रोले और रोले, आंसू बहाले, पूरी टंकी खाली कर लियो, उसके बाद फिर ठूस लियो, है ना? बात कर रही है तू भी। पापा क्यों मेरी प्यारी सी मम्मी को परेशान कर रहे हो? ओ आंटी जी, अच्छा एक क्यूट सी रोने वाली सेल्फी। अरे एक मिनट, मैं जरा छोटे को फोन करके पूछता हूँ कि बाहर का क्या हाल हो रखा है, एक मिनट। हाँ सेठ जी बोलो। हाँ छोटे, क्या कर रहा था? अरे कुछ ना कर रहा हूँ सेठ जी, अपना रात का खाना पानी में से निकाल लिया हूँ। मतलब? अरे सेठ जी मछली पकड़ रहा हूँ, मछली, लेकिन मछली तो हाथ ना आई, तीन अलग अलग तरीके की ना, अलग अलग डिजाइन की चप्पलें हाथ में आ गई। अरे तूने कभी मछली पकड़ी है? जो मछली पकड़ रहा था सेठ जी, ऐसे तो मुझे अंडे देना नहीं आता, ऑमलेट तो बना लेता हूँ ना, तुमने कई बार ठूसे हैं। अबे दोनों में फर्क है, ये बता कि दरियागंज में पानी कहाँ तक आ गया? सेठ जी मेरी छाती के ऊपर जो काला तिल है ना, जो तुमने कई बार देखा है, वहाँ तक आ गया है। अबे मैं क्या पूछ रहा हूँ, पानी दरियागंज तक पहुँचा या नहीं? सेठ जी दरियागंज का तो ना पता है, लेकिन मेरी हालत इस समय वैसी है, तुमने देखा ना वो मिर्च का चार बरनी में जो तेल में डूबा हुआ होता है, बस मेरी हालत वैसी हो रही है। बात ना करो फालतू की। अबे तेरे साथ कोई लैला बैठी है जिसके साथ डूबने का इंतजार कर रहा है, किसी ऊंची जगह पे चला जा, अगर तुझे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? कसम से कह रहा हूँ सेठ जी, ऐसे टाइम पे तुमने जी बात करके मतलब मेरी जान ही ले ली। कसम से कह रहा हूँ, सेठानी होती ना तो उसको कहता मैं तुम चली जाओ, मैं तुमसे लिपट जाता। सेठ जी एक बात कहूँ, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, अभी रख दो फोन। ठीक है। फंस गई क्या? फंस फंस। अरे ये बारिश क्यों नहीं बंद हो रही है यार? अरे क्या हुआ सरजीत, क्यों परेशान हो रही हो? क्यों क्या परेशान हो रही हो मंगी लाल, तुझे पता है शहर में पानी भर गया, इस चक्कर में पिंकी जी फंस गए यार, अटक गए यहीं। तुझे पता है पिंकी जी को कितना काम था, इम्पोर्टेंट काम, जाके वो फ्रेश सब्जियां उनकी डिलीवरी लेनी थी पिंकी जी को, और ऊपर से अपनी मिसेस को ना ऊपर वाली मंजिल में शिफ्ट करना था यार। अरे साहब जी, मैडम जो है पहले से ऊपर मंजिल में शिफ्ट हो गई होंगी, क्योंकि वो आपसे खास उम्मीद रखती नहीं है। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि आप ये पानी को देख के क्यों घबरा रहे हो, हैं? अब आप कुशल तैराक हो गए हो। अरे हाँ मंगीलाल, पिंकी जी भूल गए थे, मतलब पिंकी जी के दिमाग से निकल गया था कि पिंकी जी तो अब स्विमिंग के चैंपियन हो रखे हैं। अरे अब देखना कैसे पिंकी जी यूँ जम मारेंगे और पानी में से जाके सब काम करके आएंगे। तो इंतजार किस बात की सर, आप बस मछली देवी के नाम लीजिए और कूद जाइए। अच्छा एक बार पहले यही असल हाल है, अभी मछली देवी की मंगीलाल बचा, मंगीलाल बचा ले, मंगीलाल पिंकी जी डूब रहे, मंगीलाल 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 डूब गए, बचा ले मंगीलाल मंगीलाल बचा ले। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूं। अरे मंगीलाल देख क्या रही, हाथ पकड़ भाग खींच। तब ठंडा पानी पता है तुझे? ये क्या है सर, कुल्ला किया पानी की तरह दो सेकंड में मुंह से बाहर आ गया। तो मंगीलाल
तो तूने पिंकी जी को कहा था कि पिंकी जी स्विमिंग में एकदम परफेक्ट हो गए, चैंपियन हो गए, तो कहाँ चैंपियन हो गए? ये पता है पिंकी जी डूब रहे थे, क्यों डूब रहे थे बता, जल्दी बता, जल तू बता क्यों डूब रहे थे? सर वो क्या है ना कि सर वो जो पानी है ना, हाँ, वो स्विमिंग पूल का पानी नहीं है, हाँ, ये गटर का पानी है, वो गटर का पानी बाहर आ रखा है, तो उसमें क्या है ना मिट्टी है और आपके मुंह और नाक से मिट्टी जो है अंदर चली गई है, तो आपका वजन बढ़ गया इसलिए आप डूब रहे थे। यार, तो मिट्टी का पानी है। कोई नहीं सर, चिंता ना करो। साहब जी आप एक काम कीजिए, आप ना ब्रेस्ट स्ट्रोक सीख लीजिए। ब्रेस्ट स्ट्रोक? हाँ, इसमें क्या है मुंह बाहर रहता है ना। अच्छा तो उसके बाद हो जाएगा, मतलब फिर पिंकी तैर सकेंगे? हाँ ये बेस्ट रहेगा। पुष्पा जी। वंकी सर, साहब को नई स्टाइल सिखानी है। हाँ तो फीस तो लेनी पड़ेगी ना, तो इनके पैंट से ना 500 निकाल के ले आओ। ठीक है सर। वही टांग देना पैंट, बचपन से दिल्ली में रह रिया हूँ।